खबर मथुरा से है, जहां राम मंदिर आंदोलन के लिए लगातार संघर्ष करने वाली साध्वी रितंबरा वात्सल्य ग्राम से सर्वमंगला मंदिर में यमुना जल और वृंदावन की रज चांदी के कलशों में भरकर अयोध्या के लिए रवाना हुई। सबसे पहले साध्वी वात्सल्य ग्राम के सर्वमंगला मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान से यमुना जल और ब्रज की रज का पूजन किया और कलश में भरकर उसे लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सालों का संघर्ष पूरा हुआ है, घमंडियों का घमंड चूर चूर हुआ है। जिस दिन की हमें लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वो दिन आ गया है। मैं ब्रिजवासियों का प्रेम और उनकी आस्था को लेकर अयोध्या जा रही हूँ, जहाँ भगवान के चरणों में उसे समर्पित करूंगी और 22 जनवरी को भगवान के दर्शन करूंगी। अद्भुत अनमोल धन है हम ब्रजवासियों का, मैं प्रभु के चरणों में उसी को ले जा रही हूँ। अनुभव ऐसा है जिसको व्यक्त नहीं कर पा रही, आनंद बहुत है। सारे संघर्ष सार्थक हो गए, सबकी तपस्या सार्थक हो गई, कार सेवकों का बलिदान सार्थक हो गया, राम भक्तों की साध पूरी हो गई, हम सबके सपने साकार हो गए। अयोध्या में प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले मिर्जापुर में हजारों राम भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भागीदारी की, जिसके चलते पूरा वातावरण राममय हो गया। शोभा यात्रा में भगवा साफा बांधे शामिल मुस्लिम लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने कहा, इस झांकी में शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब है और हम सब एक ही हैं। ये शोभा यात्रा निकाली गई है श्री राम जी की, और इसमें हमारे द्वारा एक झांकी प्रस्तुत की गई है मेरी संस्था के द्वारा, और मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत सौभाग्य की मेरे लिए बात है जो मैंने ऐसा किया, और एक गंगा जमुना के तहत जो गंगा जमुना तहजीब की जो मिसाल होती है वो आज हमारे मिर्ज़ापुर ज़िले में एक उसके आधार पर संदेश जाएगा लोगों के बीच में। हम लोग को बहुत खुशी है, हम लोग शामिल हुए, लोगों को देखे मिले। बस मेरा ये कहना है कि सबको एक जैसा एकता बना कर रखना चाहिए, कभी भी एक दूसरे को मतलब ये नहीं सोचना ये हिंदू ये मुस्लिम है, सबको एक साथ रहना चाहिए। नहीं भड़काने दीजिए, भड़काने वाले तो बहुत हैं। अपने दिमाग से सोचना चाहिए ना इंसान को, क्या करना है क्या नहीं करना है। हिंदू मुस्लिम आजकल हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहे हैं, पर सब भाई भाई है साथ में, सबको एकता बना कर रखनी चाहिए। कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है ये नहीं सोचना चाहिए कभी। मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में 22 जनवरी को लेकर छात्रों में उत्साह नजर आ रहा है। कॉलेज में अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, जहां एक तरफ मेहंदी कंपटीशन हो रही है तो दूसरी तरफ नुक्कड़ नाटक कंपटीशन भी करवाई जा रही है। नाटक में भगवान राम के जीवन पर आधारित नाटकों का मंचन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र भाग ले रहे हैं। उसके लिए श्री राम कॉलेज पूरे उत्साह से इस उत्सव को मना रहा है, और आज श्री राम कॉलेज में 3-4 कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, जिनमें मेहंदी कॉम्पिटिशन जिसमें राम नाम की मेहंदी लग रही है, नुक्कड़ नाटक रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पे ऐसे कॉम्पिटिशन जिसमें रामचंद्र जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं के ऊपर जो है ऐसे कॉम्पिटिशन करवाया है, और हमारे NSS के विद्यार्थियों ने विशेष सफाई का अभियान चलाया है, स्वच्छता अभियान चलाया। जो मेहंदी लगाई जा रही है उसके सुंदर खास चीज़ ये है कि उसमें राम नाम का नाम जरूर है। राम को बच्चों ने जो है रामचंद्र जी की फ़ोटो उसके अंदर बनाई है, उनका कोशिश की है कि राम जी की महिमा का उसके अंदर वर्णन किया जाए। तो कहीं ना देखिए ये कॉलेज है, इसका नाम पड़े श्री राम कॉलेज है, लेकिन ये कॉलेज है, इसमें सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, और एक ये कॉम्पिटिशन है, किसी विशेष धर्म के लिए कॉम्पिटिशन नहीं है, तो सभी धर्मों के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेज है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। माँ जानकी का सुहाग आशीर्वाद लेकर एक रथ श्री राधा कृष्ण मंदिर से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। इसमें महिलाओं प्रसाद के रूप में वितरण के लिए 10,000 कांच के कंगन रखे गए हैं। ये रथ गुरुवार को अयोध्या पहुंचेगा, जहां ये कंगन राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सौंपे जाएंगे। शहर के प्रमुख चूड़ी कारोबारी आनंद अग्रवाल के नेतृत्व में दोपहर 12 बजे माता सीता का डोला सदर बाजार राधा कृष्ण मंदिर शिवाजी मार्ग डाकखाना होते हुए बड़े हनुमान मंदिर पर पहुंचा, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। यहां से माता सीता का डोला अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगा। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या श्री राम मंदिर में आने वाली विवाहित महिलाओं को प्रसाद के रूप में राम नाम के कंगन और चूड़ी वितरित किए जाएंगे। इसके लिए कारीगरों की मदद से श्री राम राम दरबार राम सीता मंदिर के चित्र वाले 10,000 कंगन और चूड़ी तैयार कराए गए हैं।
इन कंगनों की विशेषता है कि इसमें कोई जोड़ नहीं है। इन कंगनों के दोनों किनारों पर सोने की पॉलिश कराई गई है। श्री राधा कृष्ण मंदिर सदर फरीदाबाद से जो राम रथ सीता माता प्रसाद का जो डोला निकाला जा रहा है वह सदर बाजार होते हुए सिनेमा के चौराहे सर शिवाजी मार्ग और डाकखाने होते हुए बड़े हनुमान जी के मंदिर तक पहुँचेगा।